हेलो डियर लर्नर्स कैसे हैं आप सब लोग आई एम नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल जिसमें आज हम क्लास इलेवेंथ के चैप्टर नंबर सिक्स लर्निंग को कंटिन्यू कर रहे हैं सो so फार हमने इस चैप्टर के पिछले सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट लर्निंग एक बहुत ही सिंपल फिनोमिना है और बहुत इंटरेस्टिंग है जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा प्लेटी ऑफ एक्जाम्पल के साथ मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूंगी साथ ही साथ आपकी एनसीआरटी की बुक आपकी स्क्रीन पर भी अवेलेबल रहेगी जिससे सभी वीडियो में मैं शेयर करती आई हूं इसके अलावा आप भी अपने साथ एनसीआरटी की बुक लेकर बैठ सकते हैं टू मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू फाइंड इन दिस टॉपिक सो लेट्स क्विकली बिगिन विद विदाउट टूडेज टॉपिक कॉन्सेप्ट लर्निंग लेकिन इसके साथ मैं आपको बताते चलू आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आई ऑसो गेट मोटिवेशन

जिसमें हम कुछ ना कुछ अर्न करते रहते हैं वैसे भी लर्निंग वर्ड के अंदर अर्निंग तो हिडन है ही तो जो लॉन्ग टाइम की अर्निंग होती है उसी को हम लर्निंग कहते हैं और जब हम कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात करते हैं तो इस तरह से लर्न करना कि हमारे माइंड में किसी चीज के लिए किसी इवेंट के लिए किसी सिचुएशन को लेकर एक कॉन्सेप्ट फ्रेम हो जाए उसी को हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं द वर्ल्ड इन विच वी लिव कंसिस्ट ऑफ इनम्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं

अपने आसपास एग्जिस्ट करने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स एनिमल्स या किसी भी तरीके की चीज को एक ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं जैसे कि आप अपने स्कूल बैग के अंदर उन्हीं चीज़ों को रखते हैं जिनको आप अपने स्कूल लेकर जाते हैं जिनका आपके स्कूल में वर्क होता है आपकी बुक्स आपका बॉक्स आपके ज्योमेट्री बॉक्स पेंसिल इरेजर जो भी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं वो सब कुछ आप अपने बैग के अंदर रखते हैं सच कैटेगराइजेशन इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट लर्निंग इसके इसी के लिए इस कैटेगराइजेशन के लिए बेसिकली

तो एनिमल्स के अंदर अगर जब मैं ये वर्ड बोल रही हूँ कोई पेट आ सकता है आपके माइंड में कोई ऐसा एनिमल आ सकता है जो जंगल में रहता है लेकिन ओवरऑल हम बात एनिमल की ही करेंगे जब मैं एनिमल बोल रही हूँ तो आपके माइंड में एनिमल ही आ रहा होगा आपने बर्ड के बारे में नहीं सोचा होगा आपने किसी और स्पीशीज के बारे में नहीं सोचा होगा क्योंकि आपके माइंड में वो एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फॉर्म्ड है जो हमें ये बताता है कि जब हम एनिमल वर्ड बोलते हैं तो हमें एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से किसी भी एनिमल के बारे में हम सोच सकते हैं यही कॉन्सेप्ट कहलाता है

जिसे हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं और दूसरा है रूल अगर हम फीचर की बात करें फीचर या एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज की कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है कोई ना कोई क्वालिटी होती है कुछ ना कुछ स्पेशलिटी वो अपने बारे में होल्ड करता है हर एक ऑब्जेक्ट वही उसका फीचर है एंड दूसरा है जिसके बारे में हमने बात करी दैट इज कनेक्टेड बाय सम रूल रूल का मतलब क्या होता है रूल एक तरीके का लॉ हो गया जिनकी हेल्प से फीचर्स को डिफाइन किया जाता है टू फॉर्म अ अट वो कहलाते हैं रूल अभी इनको और डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये जो लाइन मैंने आपसे कॉन्सेप्ट है, है तो अगर आप फीचर और रूल को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इंस्टेंसेज ऑफ अ कॉन्सेप्ट आर दोज ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स और बिहेवियर्स विच हैव कॉमन फीचर्स अगर हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट तभी फॉर्म होता होता है उन्हीं चीजों के बारे में होता है जिनमें कुछ कॉमन फीचर होता है जैसे अभी एनिमल्स का एग्जाम्पल लिया था इस तरीके सेन बी कंसिडर्ड इक्वेल एन टू समीचर्स ऑब्जर्व और डिस्क्रिमिनेटेड इन अदर ऑब्जेक्ट जब हम फीचर की बात करते हैं तो वो कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको किसी से डिस्क्रिमिनेट या कंपेयर किया जा सके फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी एग्जाम्पल लेंगे हम को understand करने के लिए। जैसे अगर आपको किसी फ्लावर को दूसरे फ्लावर से कंपेयर करना है तो आप उसके पेटल को उसके पेटल से उसकी स्टेम को उसकी स्टेम से, और पहले फ्लावर के लीव्स को दूसरे फ्लावर की लीव से ही कंपेयर करेंगे आप उसके डिफरेंट जो सेट्स जिससे वो मिलकर बना है उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें कि रोज की जो पेटल है वो सनफ्लावर की स्टेम जो है उससे कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कब कर पा रहे हैं या कंपैरिजन कब कर पा रहे हैं जब हम उनके एस्पेक्ट्स को सिमिलर पेस पे रख के बात कर रहे हैं तो हम अगर रोज के फीचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सनफ्लावर के भी उसी फीचर की बात होगी जो जो हमें रोज में दिख रहा है मतलब हम रोज के पेटल की कलर की बात कर रहे हैं तो सनफ्लावर के भी कलर की, की बात करेंगे हम दोनों के कलर को तो, तो कंपेयर कर सकते हैं कि सनफ्लावर येलो का हो गया और रोज जो है वो रेड हो गया या व्हाइट हो गया तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों ही जो फीचर्स होंगे दोनों के वो किसी पेस पर कंपेयर किए जा सकेंगे आगे कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और क्योंकि ऑब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन में होते हैं तो उस हिसाब से फीचर्स भी इन्यूमरेबल हो जाते हैं और किसी भी पर्सन के परसेप्शन का उस फीचर पर बहुत फर्क पड़ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसे समझिएगा कि जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आप एक पीकॉक को देख रहे हैं राइट right? अब मैं उस पीकॉक में क्या देख रही हूं हो सकता है मैं उसके कलर को देख रही हूं आप उस पीकॉक को हो सकता है आप ये बोले कि ये बहुत छोटा पीकॉक है ये बहुत बड़ा पीकॉक है या ये डांस कर रहा है आप उसकी किसी और फीचर को नोटिस कर सकते हैं और मैं उसकी किसी और फीचर को नोटिस कर सकती हूँ ये नॉट जस्ट इन द केस ऑफ द पीकॉक किसी भी चीज के बारे में हमारा ये एग्जाम्पल रियल लाइफ में भी यही होता है कि हम कोई भी चीज जो जिसको जिस नजरिए से देख रहे होते हैं दूसरा पर्सन उस चीज को वैसे नहीं देख रहा होता है वो अपने नजरिए से देखता है और यही वजह होती है कि हम किसी सिचुएशन को लेकर भी इसी तरीके का परसेप्शन फॉर्म करते हैं कि हम कोई बात कहते हैं हमारा थॉट उसके पीछे कुछ और होता है लेकिन दूसरा पर्सन उसे अपने परसेप्शन से अंडरस्टैंड करता है तो ये इवेंट के केस में भी ट्रू है कि कोई इवेंट हमारे लिए उसका फीचर उस इवेंट का कुछ फीचर है लेकिन उसी इवेंट का फीचर या उस बात का फीचर किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ और हो जाता है तो इस तरीके से जो फीचर्स होते हैं वो इन्यूमरेबल काइंड के होते हैं प्रॉपर्टीज लाइक कलर साइज नंबर शेप स्मूथनेस रफनेस सॉफ्टनेस हार्डनेस ये सभी जो होते हैं वो फीचर्स कहलाते हैं यानी कि एट्रीब्यूट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अब बात करते हैं कि रूल्स क्या होते हैं रूल्स दैट आर यूज टू कनेक्ट द फीचर्स टू फॉर्म अ कॉन्सेप्ट मे बी वेरी सिंपल और कॉम्प्लेक्स रूल्स क्या हो सकते हैं वो बहुत ही सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक हो सकते हैं ये रूल वही है जब हम रोज और सनफ्लावर को कंपेयर कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि आप रोज के कलर को सनफ्लावर के कलर से ही कंपेयर कर रहे हैं तो ये एक बेसिक रूल हो गया ये जनरल बात हो गई ना जब हम किसी बच्चे को भी अगर दो फ्लावर दिखाएंगे छोटे बच्चे को भी और कहेंगे कि आपको किसका कौन सा फ्लावर जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो वो भी दो, दो चीजों को ही सिमिलर बेसिस पे कंपेयर करेगा ये मैं एक छोटे बच्चे की बात कर रही हु जो ऐसा करेगा तो रूल्स ये सिंपल रूल हो गया और हम इसे कॉम्प्लेक्स बना दें कि कौन सा फ्लावर जो है वो अब हम किसी बड़े बच्चे से या किसी बड़े पर्सन से क्वेश्चन पूछने लगे कि बताइए आपको कौन सा जो फ्लावर है वो ऐसा लग रहा है जो किसी कोई बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर रहा है इस समय हमारे एनवायरमेंट से ज्यादा कनेक्ट हो रहा है तो हमारा ये जो रूल है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि वो जो उसके उन ऐसे फीचर्स को पिक कर रहा है जो सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं रूल इज एन इंस्ट्रक्शन टू डू सम अगर सिंपलेस्ट वे में देखें तो रूल क्या है एक इंस्ट्रक्शन ही तो है जैसे हमने बच्चे के के केस में जब हमने एग्जाम्पल लिया तो हमने एक सिंपल से इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको इसको कंपेयर करके बताना है लेकिन जब हमने किसी बड़े पर्सन को उसी सेम सिचुएशन में इंस्ट्रक्शन दिया तो उस इंस्ट्रक्शन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया तो रूल क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन ही होते हैं जो है तो सिंपल इंस्ट्रक्शन होंगे या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होंगे कीपिंग इन व्यू द रूल्स दैट आर यूज इन डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिट है अब हम आते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन में ये अंडरस्टैंड किया कि फीचर एट्रीब्यूट और रूल्स जो थे वो दो टर्म्स थी जिनकी हेल्प से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट इसी तरीके से फॉर्म होता है एक तो इंस्ट्रक्शन और दूसरा किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स ये दोनों मिलकर हमारे माइंड में एक इमेज बनाते हैं एक पिक्चर क्रिएट करते हैं वही कॉन्सेप्ट होता है अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने दो टाइप के कॉन्सेप्ट बनाए हैं आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट इससे पहले कि मैं आपके से इस चीज को एक्सप्लेन करूं मैं आपको सिंपलेस्ट वर्ड में बताना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट और नेचुरल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट वो होते हैं जिनके रूल्स बहुत रिजिड होते हैं जैसा आपको कहा जाएगा आपको वैसा ही सोचना है वैसा ही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फॉर्म होगा उसी तरीके की लर्निंग आपके अंदर डेवलप होगी लेकिन नेचुरल कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं नेचुरल कॉन्सेप्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जब मैंने आपसे कहा स्नो तो आपने आप हो सकता है आपने कभी स्नोफॉल देखा हो तो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर आपने स्नो से कवर्ड माउंटेन के बारे में विजुअलाइज किया जो भी कॉन्सेप्ट आपने फॉर्म किया उसका कोर तो स्नो है लेकिन उसका पिक्चराइजेशन आपके माइंड में डिफरेंट हो सकता है ये कहलाता है नेचुरल कॉन्सेप्ट जहां पर आप उस किसी रूल के साथ चलने के लिए बाउंड नहीं होते हैं हालांकि रूल्स यहाँ पर भी होते हैं कि जब मैंने स्नो कहा तो अपने फ्रीजर में रखी हुई आइस के बारे में नहीं सोच रहेगे आप सोचेंगे स्नो के ही बारे में स्नो में और उस आइस में फर्क होता है लेकिन आपके पास जो रूल है यहाँ पे रूल फिर भी जो है वो स्टेबल रहेगा लेकिन आपके पिक्चराइजेशन में आपके कॉन्सेप्ट में वेरिएशन आ सकता है इन केस ऑफ नेचुरल कॉन्सेप्ट्स लेकिन आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है कि जब मैंने आपसे ट्राइंगल कहा तो आप ट्राइंगल के ही बारे में सोचेंगे उसके डेफिनेटली थ्री साइड्स होंगे थ्री कॉर्नर्स होंगे थ्री वर्टिसेस होंगी जो भी होते हैं ट्राइंगल के फीचर्स वो सब होंगे मैंने स्क्वायर कहा तो फोर साइड्स होंगी फोर साइड इक्वल होंगी उसके अलावा फोर वर्टेसिस होंगी है ना फोर एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे उसमें तो आप स्क्वायर के बारे में सोचेंगे स्क्वायर के बारे में जब मैंने एक आपसे कहा तो एक बहुत ही रिजिड पिक्चर आपके माइंड में बनेगी ट्राइंगल के बारे में कहा तो रिजिड बनेगी तो इस तरीके से ऐसे कोई भी सेट ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में बनते हैं जिनके रूल्स रिजिड होते हैं कॉन्सेप्ट बहुत वेल well डिफाइंड होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं

आर्टिफिशियल इसी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दे दूं कि जब एनिमल्स वाली बात कही थी तो आपको क्या लगता है कि वो आर्टिफिशियल का था या नेचुरल कॉन्सेप्ट का जरूर कॉमेंट बॉक्स में चीज लिखिएगा जरूर अपना आंसर दीजिए आप मुझे यहाँ पर कि जब मैंने आपसे एनिमल कहा और आपने एनिमल के बारे में सोचा तो क्या वो आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है या नेचुरल कॉन्सेप्ट है तो मैं आपके कॉमेंट्स में आंसर का जरूर वेट करूंगी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम थे फिलहाल इन अ वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट एंड जॉइंटली सफिशियंट यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट होता है उसमें फीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लियर कट होते हैं एकदम आपको बात समझ में आएगी कि जैसा आपको बोला गया वैसा ही आप सोच रहे हैं एग्जैक्ट टू द पॉइंट दैट इज कॉल्ड अ वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट हैव ऑल द फीचर्स इन ऑर्डर टू बिकम एन इंस्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट जो पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट कराई जा रही है वही पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होनी चाहिए जब मैंने वर्ड बोला सीनरी तो आप सोचिए कि सीनरी आप कुछ भी सोच सकते हैं आप बीच के बारे में कोई पिक्चर माइंड में क्रिएट कर सकते हैं आप हिल uh, स्टेशन के बारे में सोच सकते हैं किसी गांव की कोई सीनरी हो सकती है कोई क्राउडेड सिटी का हो सकता है कुछ भी सीन आपके माइंड में आ सकता है जब वेन आई से वर्ड सीनरी सो वट काइंडल इट शुड बी इसका भी आंसर आप जरूर दीजिएगा फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए जरूर बताती चलूँ कि ये एक नेचुरल कॉन्सेप्ट हुआ इसमें आप अपनी इमेजिनेशन को सब्जेक्टिव कर पा रहे हैं फ्री कर पा रहे हैं जबकि आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट में जब मैंने कोई भी ऐसा वर्ड बोलूंगी जिसमें आपको एग्जैक्ट वही सोचना है जो मैंने बोला है देन इट बिकम्स आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं यहां तक हमने पढ़ लिया था ऑन द अदर हैंड नेचुरल कॉन्सेप्टीज आर कैटेगरीज आर इल डिफाइंड

इट इज अ वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको स्क्वायर को एक्सप्लेन किया था कि वेल डिफाइंड क्यों है क्योंकि जब मैंने स्क्वायर कहा तो भले ही आप कितना ही रहेंगी उसकी वर्टिस एंगल्स फोर ही रहेंगे और एंगल नाइनटी डिग्री भी रहेंगे तो इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते अपनी तरफ से इट मस्ट है फीचर्स कनेक्टेड बाय कंजंक्टिव रूल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस रूल्स फॉर क्रिएटिंग करती है अगर हम नीचे देखें जो लिखा हुआ ट्रायंगल्स जिसमें दो शेड्स हैं आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो शेड ग्रे एंड ब्लू है नॉट पिंक एंड ग्रे क्रॉस ऑन टॉप एंड बॉटम सर्कल राइट और लेफ्ट साइड ऑफ फिगर्स दीज फिगर आर यूज्ड And of and non of an अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर और है कुछ में ट्राइंगल हैं स्मॉल सर्कल्स है प्लस के साइंस भी है तो यहाँ पर हमें बताने की कोशिश किया गया है कि एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पे चीजें

जिसके रूल्स प्रॉपर होंगे जहां पे इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट होंगे वहां पर बनने वाले जो पूरी पिक्चर होगी वो बहुत ही रेलेवेंट होगी वो कभी भी इरेलीवेंट हो नहीं सकती क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं उसके रूल्स क्लियर हैं तो डेफिनेटली उसके फीचर्स भी निकल कर क्लियर आएंगे ये इस तरीके की बात हो गई जैसे एक्टिव पैसे पढ़ते हैं ना आप एक स्टेटमेंट को डायरेक्ट बोलते हैं या फिर इनडायरेक्ट बोलते हैं अब यहाँ पे समझिए कि जब आपने ये कहा कि फीचर्स और रूल्स क्लियर हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसी तरीके से अगर आपके सामने क्लियर कॉन्सेप्ट है और उसके रूल्स भी क्लियरली स्टेटेड है तो डेफिनेटली उसके फीचर्स क्या होंगे रेलिवेंट हो जाएंगे तो यही बात एक बार आपसे शुरू में डायरेक्टली कही गई थी एक्टिव वे में कही गई थी दोबारा इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया गया द फीचर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द रूल आर कंसिडर टू बी इेलिवेंट फीचर्स फॉर एग्जाम्पल इन द कार्ड शोन एंड फिगर सिक्स पॉइंट फोर देर आर फोर फीचर्स शेप शेड क्रॉस एंड नो क्रॉस ऑन द टॉप एंड सर्कल ऑन द राइट और लेफ्ट साइड जब कंजेक्टिव कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम ये भी हो सकता है कि हम इसके कोई शेप और साइट को एज रेलेवेंट ले लें और बाकी दो साइड को रिलेवेंट की तरह से कंसिडर कर लें बाकी दो फीचर को फॉर सच अन्सेप्ट एग्जाम्पलर्स एंड नॉन एग्जाम्पल आर गिवेन इन सिक्स पॉइंट फाइव इस चैप्टर के बारे में थिंकिंग uh, में हम और अंडरस्टैंड करेंगे जब चैप्टर एट हम स्टडी करेंगे तब हम और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बट फॉर नाउ दिस दिस इट अबाउट अ इज एक्चुअली सो वट यू अंडरस्टूड इन दिस क्लास इज मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट फीचर्स रूल्स देन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट आई वुड वॉन्ट यू टू ड्रॉप सम एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सो Uh, we are just completing the topic here and we'll be moving on to the next topic, which is skill learning. In the next video, I hope you would have understood it. I have tried to explain you in a very detailed manner. So, I will see you super soon in the next video. If you have not subscribed to the channel, then please do it for me. And also, I'll see you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.